कराची में शदीद हब्स के बाद भी बादल खुलकर ना बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मली, नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में फुहार पड़ी। जरा सी बारिश में बिजली का निजाम दरहम बरहम। करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद की जान चले गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। फैसलाबाद में संगदिल वालदैन 3 साल का माजूर बच्चा अस्पताल के मुसाफिर खाने में छोड़कर फरार हो गए। नन्ना बच्चा गर्मी में बेंच पर पड़ा, माँ बाप के लिए रोता रहा। चाय वाले ने बच्चे को संभाला और पुलिस को इत्तला दी। बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से क्यों रोका? लाहौर की खातून ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मार दिया। खातून वार्डन को धमकियां देती रहीं, फोन पर किसी से बात कराने और वार्डन का वॉकी टॉकी छीनने की कोशिश भी करती रहीं। गुलबर्ग थाने में मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का बड़ा हुक्म, मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं। करप्शन के मुकदमात जेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें। चीफ जस्टिस का 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की फौरी तायुनाती का भी हुक्म। एक हफ्ते में तायुनाती न हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक वाकये की एक ही GIT होती है। वज़ीर आला सिंध की कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑफिस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कोई मोटरसाइकिल पर रिपोर्ट पकड़ा गया, उन्होंने वो मुअज्जिज़ ऐवान में पेश कर दी। अली जैदी पर मुलजिमान की मदद करने का इल्जाम लगा दिया। इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इम्पोर्टेंट केस पे कोई नहीं करता। जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुलजमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं और कोई वजह नहीं हो समझ आती इसकी। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है, वहां का DC CPO नहीं है। तहरीक इंसाफ के मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन के समा को इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी पर सख्त इल्जामात, कहा वजीर आजम के करीबी साथी ही वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद निकले। खान साहब के मुंह से जब -1 निकले तो फिर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आर्मी चीफ और वजीर आजम एक पेज पर हैं, -1 का फार्मूला फेल हो जाएगा। ये भी कहा कि आला क्यादत अपने ही अराकीन असम्बली को मुश्किल में डाल रही है। जितने MNAs हैं वो रो रहे हैं खून के आंसू, खुदा की कसम खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जो ये ऊपर वाले मिनिस्टर्स हैं ना, ये इन्होंने हमारे वहां पे ब्यूरोक्रेसी में मेरिट के काम भी नहीं होने दे रहे। सोने की कीमत में होश उड़ा देने वाला इजाफा, फी तोला सोना 2,400 रुपए इजाफे के बाद 1,08,300 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में भी सोना 8 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। और इंसानियत के मसीहा, हजारों यतीमों, लावारिसों, मस्कीनों के वालिद, गरीबों के गमखार, अब्दुस्सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े आज 4 साल हो गए। मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस दी, यतीम खाने, ओल्ड हाउसेस, पनागाहें बनाई, मुल्क भर में बच्चा झूले लगाए। ईदी के एहसानात कभी कम ना होंगे। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी।